तो मांग रहे तो दे रहे हैं चाबी नहीं है डंडे और थप्पड़ की बरसात करती ये गोपालगंज की डीएसपी ज्योति कुमारी हैं। मैडम पब्लिक और पुलिस के सबसे फ्रेंडली चेहरे को दिखा रही हैं, बता रही हैं कि वर्दी का रुआब है तो किसी को कुछ नहीं समझती। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है भारत बंद के दौरान डीएसपी मैडम सड़कों पर उतरी थी और फिर वाहन जांच करने लगी। इस दौरान उन्होंने बिना हेलमेट वाले चालकों पर डंडे बरसाना और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि डीएसपी ज्योति कुमारी कभी डंडा बरसा रही हैं तो कभी थप्पड़ मार रही हैं। मार खाने वाले इन युवकों का कसूर बस इतना है कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहने थे। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें साफ दिख रहा है कि डीएसपी की थप्पड़ खाने के बाद डरा सहमा युवक खुद को छात्र बताता हुआ बैग से अपनी कॉपी किताब निकाल कर दिखा रहा है, लेकिन तब भी मैडम को रहम नहीं आ रही। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक का है। बताया तो ये भी जा रहा है कि डीएसपी के एक इशारे पर उनके बॉडीगार्ड ने गाड़ियों की हवा भी निकालनी शुरू कर दी थी। वहीं जब इस मामले में डीएसपी ज्योति कुमारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल इन वीडियोस को देखकर लोग बिहार की फ्रेंडली पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये सब कानून की किस धारा के तहत हो रहा है। धनंजय कुमार, न्यूज लाइफ, गोपालगंज।